आज गांधी मेमोरियल प्राइमेरी स्कूल में केन्द्रीय विद्यालय का हमारा अनुप सर आने भाग उनका साथी योगा टीचर आएर यहाँ योगा प्रशिक्षण कराई यो विद्यांजलि कार्यक्रम अनुसार तो अनुप जी ए विद्यांजलि कार्यक्रम योगा सेशन कैसा ये प्रोग्राम है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें स्कूल का एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ में कनेक्शंस दिखाया गया, तो उसमें विद्या का अंजलि देना मीन्स अपने विद्या को दूसरे को सिखाना, जो विद्या हमने अर्जन किया उसको दूसरे को सिखाने के लिए दिया गया। इसमें एक स्कूल से या तो आउटसाइडर्स को जो रिटायर्ड रिटायर्ड टीचर्स हो सकते हैं या कोई स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं वो दूसरे स्कूल में जाके अपना प्रोफेशनली नहीं अपना अपने अपने मन से वो जाके स्कूल में जाके सिखा सकते हैं, तो जिससे बच्चों का कोई डेवलपमेंट हो। वो शायद मोटिवेशनल स्पीच हो सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें योगा क्लासेस चल रहे हैं, योगा क्लास के लिए दे सकते हैं किसी भी। तो आपका साथ योगा टीचर का नाम क्या है? हमारे साथ में है योगा सर हैं उस तरफ जिनका नाम है गोपाल शाह सर, जो योगा सिखाते हैं जी। ये हम सभी के वी बेंगडुबी से हैं, अभी के वी बेंगडुबी का नाम पीएम श्री के वी बेंगडुबी हो चुका है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, जिसमें अभी टोटल 14,500 स्कूल्स है जहाँ ये प्रोग्राम चलता है। 14,500 ऑल ओवर इंडिया में, तो पूरे केवीज और दूसरे स्कूल नवोदय जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के लिए भी दिया गया, और उनके थ्रू कुछ प्रोग्राम्स है जो हमें वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उन्हीं में से एक प्रोग्राम के अंतर्गत ये विद्यांजलि के लिए दिया गया। और हमारे साथ दूसरे एक लाइब्रेरी सर जो पार्थ मजुमदार जो के वी बेंगडुबी हैं, तो उन्होंने भी एक लेक्चर दिया था अभी अपने लाइब्रेरी में बुक्स को या अपने किताबों को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने किताबों को किस ढंग से रखेंगे उसके बारे में दिया गया सुंदर तरीके से। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। धन्यवाद जी, कार्यक्रम हम लोग के बच्चे के लिए जो आप लोग आके यहाँ पर थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, तो और मैं इनवाइट करूंगा कि गांधी मेमोरियल स्कूल जो मेरे जस्ट घर के नज़दीक भी है जी, घर के नज़दीक भी है, इनको भी इनवाइट करूंगा कि वो आप कभी भी के वी बेंगलुरु में आके अपना प्रोग्राम या तो देख सकते हैं या हमारे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रामर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस योगा प्रशिक्षणबारे उहाँहरूले पनि नानीहरूलाई अलिकति प्रशिक्षण दिइरहेको हेरिरहनु भएको छ। इस तरह से बेटा उस नीचे रखो, हाँ गुड, लेफ्ट से लपी गई सांस, लेफ्ट से सांस लो, क्लोज लेफ्ट, लेफ्ट दोनों क्लोज करो, सांस छोड़ो लाइट से, वापस राइट से सांस, क्लोज राइट, लेफ्ट से छोड़ो, वापस लेफ्ट से सांस, क्लोज लेफ्ट, राइट से छोड़ना है, ठीक है, रिलैक्स, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे, अब हम करेंगे मेडिटेशन ध्यान, ठीक है, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ इस तरह से घुटनों के ऊपर, क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, चेहरे को आंखों को बंद कर लीजिए, चेहरे को ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों की हथेली को ढीला छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला ढीला रिलैक्स, जितनी भी आवाज आ रही है सभी आवाजों को एक एक करके सुनते जाइए, आपके कानों में जितनी भी आवाज आ रही है सभी को एक एक करके सुनते जाइए, दूर की आवाज, नजदीक की आवाज, चलने की आवाज, बात करने की आवाज, चिड़ियों की आवाज, सभी आवाजों को सुनिए, इसमें भी बता दे रहा हूं कि सब एक दिन मिलके अपने टीचर्स के साथ में मिलके हमारे केवी बेंगलुरु में आना है, ठीक है, कहां पर आना है? केवी बेंगलुरु में आना। आने से पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन दे देना किसके थ्रू?
सर के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग वहाँ अरेंज करके रखे उस स्कूल को देखना, स्कूल में अंदर में बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें जो चेंज होके गया है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम एक फोटो शूट करेंगे खाली।